नमस्कार, मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए, जिसमें हम आज इतिहास की साख और उस साख पर सियासत की चर्चा करेंगे। साथ ही झारखंड बीजेपी में सीएम्स इन वेटिंग और उनके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बढ़ती दखलंदाजी का करेंगे डीएनए टेस्ट। साथ ही डायन प्रथा के दंश पर भी करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात नालंदा विश्वविद्यालय की। 821 साल बाद अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय में दोबारा पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसके निर्माण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। उस सियासत और उसके अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े अहम तथ्यों के बारे में। फिलहाल दो विषयों की पढ़ाई हो रही है। 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। यहां विश्व की महान विभूतियों ने किया अध्ययन। 1193 में बख्तियार खिलजी ने किया था ध्वस्त। 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया था। उन्होंने यह सुझाव बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के दौरान दिया था। सुझाव के बाद सिंगापुर सरकार ने प्रस्ताव दिया। उसके बाद मदद को आगे आया विश्व समुदाय और हकीकत में बदल गया सपना। 1 सितंबर 2014 से शुरू हुआ नया सत्र फिलहाल स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज और स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज की हो रही है पढ़ाई। गोपा सबरवाल है विश्वविद्यालय की कुलपति। 2020 से होगी 7 विषयों की पढ़ाई। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने बिहार को आज की तारीख में भी गर्व करने का मौका दिया है। यही वजह है कि उस गौरव को फिर ताजा करने के लिए यहां अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर क्रेडिट लेने की भी होड़ दिखाई दी। सीएम जीतनराम मांझी ने इसकी स्थापना के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहनत देखी तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ और नाम लिए और उनके योगदान को भी याद किया। तो सियासत तेज हो गई है, क्रेडिट लेने की भी बात कही जा रही है। हम आपको सुनाते हैं दो बयान, जीतनराम मांझी ने क्या कुछ कहा और कैसे उन्होंने नीतीश कुमार की मेहनत का नतीजा बताया। तो वहीं विदेश मंत्री ने कई नाम भी गिनाए, सुनिए। तो सियासत पूरे तरीके से तेज है, सियासत हो रही है कि आखिर किसने क्रेडिट की होड़, सुनिए पहले जीतनराम मांझी का बयान। बहुत लोगों ने सोचा, बहुत प्रयास हुआ, लेकिन आज के दिन में हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से और बहुत सक्षमता से इस प्रकार का प्रयोजन किया कि आज हम नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा को याद करने और उसको अक्षुण रखने के लिए आज यहाँ पर उद्यत है। हमारे यहाँ ऐसे आस्थावान व्यक्ति निकले, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। सन 2006 में उन्होंने कहा पटना कि हमें नालंदा की पुनर्स्थापना करनी चाहिए और संयोग देखिए उसी वर्ष 2006 के मध्यकाल में सिंगापुर के तत्कालीन विदेश मंत्री जॉर्ज यो ने एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम था नालंदा प्रपोजल। तो केवल बिहार से यह आस्था नहीं जुड़ी है, केवल हिंदुस्तान में यह आस्था नहीं जुड़ी है, हमारे बहुत से पड़ोसी देश और पूर्वी एशिया के देश नालंदा का हिस्सा रहे हैं और आगे हिस्सा बनना चाहते हैं। तो सुन लिया आपने दोनों बयान, जीतनराम मांझी को भी सुना किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की मेहनत का नतीजा है। तो सुषमा स्वराज भी क्रेडिट लेने की होड़ में, यानी वो और भी कुछ नाम गिनाती नजर आई, यानी क्रेडिट लेने की होड़ दोनों तरफ से मची रही। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सियासत आज ही नहीं दिखी। आप याद कीजिए 1 सितंबर जब विश्वविद्यालय में पहले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई थी, उस दिन भी क्रेडिट लेने और ना देने की सियासत हुई थी। हालांकि उस वक्त पीएम मोदी जापान दौरे पर थे। 2 सितंबर को जापान में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नालंदा के गौरव का बखान किया था, लेकिन नालंदा में 821 साल बाद दोबारा पढ़ाई शुरू होने पर उन्होंने किसी को क्रेडिट नहीं दिया। नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां जापान के बहुत लोग पढ़ने जाते और भारत की एक विशेषता रही है कि जब जब मानव जा
ज्ञान रूप में प्रवेश किया तो हमेशा नेतृत्व भारत का रहा। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और इसलिए जिसके पास अस्त्र होंगे, शस्त्र होंगे, धन होगा, दौलत होगी, उससे ज्यादा बड़ी देश दुनिया को लीड करेगा। जिसके पास ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है, वही सबसे बहुत मैटर करने वाला है। तो 2 तारीख को नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी। 1 सितंबर को नीतीश कुमार ने फेसबुक पर कमेंट पोस्ट किया था और नालंदा विश्वविद्यालय में दोबारा पढ़ाई शुरू होने पर शुभकामना भी दी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा था, आइए आपको दिखाते हैं। तो यह है नीतीश कुमार का पोस्ट। आज का दिन मेरे जीवन के सबसे सुखद दिनों में से एक है। आज मैं बहुत खुश हूं। यह 1 सितंबर का मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूं। आज का दिन मेरे जीवन के सबसे सुखद दिनों में से एक है। आज मैं बहुत खुश हूं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को लेकर केंद्र और राज्य के बीच क्रेडिट लेने और क्रेडिट ना देने की सियासत जारी है, लेकिन विश्वविद्यालय की वीसी गोपा सबरवाल का कहना है कि विश्वविद्यालय राज्य और केंद्र सरकार दोनों की कोशिशों का नतीजा है। It was a rare occasion of solidarity for a project that symbolizes unity and inclusiveness. Both the state government of Bihar and the central government of India deserve a round of applause for having done what they had to make this project a reality. आइए आपको अब नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास में ले चलते हैं। 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया। पूरी तरह से नष्ट होने के पहले यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। 413 से 1193 ईस्वी तक यानी 780 साल तक यहां पढ़ाई हुई। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, वास्तु, धातु और अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई होती थी, जिसमें दक्षिण एशियाई देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। अब यहां बिजनेस मैनेजमेंट, इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस की कक्षाएं आयोजित होंगी। नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन वैभव फिर से बहाल करने का विचार सबसे पहले 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने सुझाया था। नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना से नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जैसे गणमान्य लोग भी जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय कानून लागू किया था, ताकि जनवरी 2007 में फिलीपीन में हुए दूसरे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और फिर थाईलैंड में चौथे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाबत किए गए फैसलों को लागू किया जा सके। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र के अलग अलग देशों के बीच सहयोग का एक फोरम है, जिसमें आसियान देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, गणराज्य न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका जुड़े हुए हैं। 8 सालों के अथक प्रयास के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में 821 साल बाद दोबारा पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन इसके साथ शुरू हुई केंद्र और राज्य के बीच क्रेडिट लेने और ना देने की सियासत भी। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लगभग 35 से 40 मिनट तक का भाषण दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार भी बिहार सरकार या नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। ठीक ऐसा ही स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ भी दिखी। उन्होंने विश्वविद्यालय के 821 साल बाद दोबारा शुरू होने पर केंद्र सरकार को कोई क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसके लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। अब सवाल यह कि आखिर इस तरह की सियासत हो क्यों रही है, क्यों केंद्र और राज्य के बीच टकराव है, क्या यह टकराव सियासी है, क्या बीजेपी नीतीश को इसलिए क्रेडिट नहीं देना चाहती क्योंकि वे उसके लिए बीते दिन हो चुके हैं, क्या बीजेपी को डर सता रहा है कि वो नीतीश और राज्य सरकार को क्रेडिट देगी तो JDU को विधानसभा चुनाव में फायदा। चलिए अब बात राज्य सरकार की भी कर लेते हैं। आखिर राज्य सरकार क्यों केंद्र को क्रेडिट नहीं दे रही है? राज्य सरकार जनता को यह संदेश देना चाहती है कि उनके प्रयास से ही नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा जीवित हुआ, साथ ही उसका यह भी प्लान हो कि वो चुनाव में जनता के बीच नीतीश के विकास पुरुष की छवि के साथ जाना चाहती हो, क्योंकि खुद नीतीश कुमार से लेकर जीतन राम मांझी तक कह रहे हैं कि उनका सपना साकार हुआ है। यानी आप समझिए कि क्रेडिट क्यों नहीं लिया जा रहा है और क्यों नहीं दिया भी जा रहा है। क्रेडिट लेने और ना देने की होड़ यह साबित करती है कि केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य नहीं है। तो यह कई सवाल। हालांकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरों का करेंगे हम DNA।
तुरवैया डीएनए में अब चलते हैं झारखंड की तरफ। सोशल नेटवर्किंग साइट जनता से जुड़ाव का एक सहज साधन है, नेता भी इसकी ताकत को समझने लगे हैं। झारखंड में तो बीजेपी के नेता सिर्फ लोगों से संपर्क साधने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इसके जरिए वे सीएम पद की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। देखिए, भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड विधानसभा का चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है, बावजूद इसके सूबे के बीजेपी नेताओं ने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। नेता सोशल साइट के जरिए अपना संपर्क बढ़ाने में जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का तो तकनीक प्रेम जगजाहिर है, लिहाजा वे इस मोर्चे पर सबसे आगे दिख रहे हैं। फेसबुक पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नाम पर कम से कम 10 अकाउंट, ग्रुप या पेज है। बहुत बड़ा जनता का सहजता के साथ पहुंच का एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन आज भी झारखंड में अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में उतना ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन 10 साल में यूपीए की सरकार ने पहुंचाई, ना ये चीज़ें अच्छी तरह से चल रही, तो ये एक अच्छा चीज़ तो है, पर आगे इसका लाभ मिलेगा। वहीं इस मामले में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी अर्जुन मुंडा से पीछे नहीं, उनके नाम पर आधे दर्जन से ज्यादा अकाउंट। वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के नाम से भी दर्जन भर अकाउंट, जबकि इस होड़ में हालिया एंट्री मारी रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह, जिनके नाम से कम आधा दर्जन फेसबुक अकाउंट या पेज है, जिनमें उनकी तमाम गतिविधियां पढ़ी जा सकती, और साथ ही उन्हें सूबे के भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी पेश किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में सीपी सिंह ने खुद की भागीदारी से इनकार किया है। मुझे अभी तक मैं कहा जाए तो मैं किसी का फेसबुक अकाउंट नहीं खोल सकता हूं, मुझे नहीं आता है। मैं अभी सिर्फ फोन आता है, सुनता हूं। अभी यदि मुझे कोई कह दे जरा मैसेज कर दीजिए तो मुझे दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। फेसबुक खोलने की बात अलग है, यदि सीपी सिंह के नाम से कोई चला रहा है तो ये उसकी शौक है, उसकी इच्छा है। बीजेपी के अलावा दूसरे पार्टियों के नेता भी इस होड़ में पीछे नहीं। सूबे के पूर्व सीएम और जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस बार सोशल साइट के जरिए कैंपेन कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोई अपने को भी जनता के बीच प्रपोज कर रहा है कि भाई हमें अवसर दीजिए, मौका दीजिए, तो हम जनता के लिए काम करेंगे, तो मुझे लगता है इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। सोशल साइट्स पर सक्रियता को लेकर नेता अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में सोशल साइट्स पर जिस तरह से इन नेताओं के लिए आक्रामक प्रचार अभियान शुरू हुआ, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, और सोशल साइट्स के जरिए ये राजनेता खुद को राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। सोशल साइट्स पर युद्ध छिड़ चुका है। आने वाला झारखंड चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चुनाव के पहले एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की तैयारी में जुट गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता जनता तक सीधे पहुंचने के लिए सोशल साइट से भी जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेताओं का सोशल मीडिया से लगाव इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी नेता सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव हो रहे हैं और उनके समर्थक जिस तरह से अपने चहेतों को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि चुनाव आते आते जनता से जुड़ने का यह जरिया नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण न बन जाए। खैर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए पॉलिटिक्स पर चर्चा के बाद आपको इसकी महत्ता के बारे में भी बताना जरूरी है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट और मुंबई स्थित एरिस नॉलेज फाउंडेशन के मुताबिक फेसबुक यूजर्स देश भर की 543 लोकसभा सीटों में 160 सीटों के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। वहीं झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 15 से 20 शहरी सीटों पर परिणाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रभावित कर सकते हैं। झारखंड जैसे छोटे राज्य के लिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। भारत में तेजी से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रियता भी बढ़ रही है। जल्द ही भारत अमेरिका से आगे निकल सकता है। अमेरिका में अभी 260 मिलियन उपयोगकर्ता है और भारत में 198.30 मिलियन। गांव में भी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी है। यहां करीब 72 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतक के मुताबिक अमेरिका में इंटरनेट की घुसपैठ 81% है,
चीन में ये 43.3% है और भारत में 13% है, जो तेजी से बढ़ भी रही है। सोशल मीडिया ने प्रजातंत्र की सेहत के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। इससे साफ है कि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं ने सजगता के साथ मतदान में भागीदारी भी की है। और झारखंड में सीएमएन वेटिंग्स की जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं।